देनदारी से उन्होंने भरे मंच में कहा है कि देनदारी से 3 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो ये कहीं न कहीं सरकार का खेला है। सरकार भी सामने आती, सुब्रत राय भी सामने आते, हम लोग भी एजेंट थे, हम लोग भी कार्यकर्ता ही थे, लेकिन 14 से बदहाली शुरू हो गई थी इस कंपनी की। 14 से जैसे कहते हैं ना कि राम का पैसा श्याम का, श्याम का पैसा घनश्याम का, वही हुआ था। एजेंट पैसा ले जाता था, पार्टी को मुंह बंद करता था, एजेंट के पैसे से ही मुंह बंद हुआ। सुब्रत राय ने कभी फंड नहीं किया है, कंपनी को फंड नहीं दिया है कि ये पार्टी का पैसा है, पेमेंट है, दिया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं चूक सरकार की भी है। मैडम, कंपनी कभी भी फंड कभी भी नहीं दिया था, आज नहीं की कभी भी नहीं। 14 से पहले दिया है। मैडम, आप अंधभक्त लग रहे हैं। उन्होंने जो फंड दिया था 14 से पहले दिया था। 14 के बाद और सहारा का मामला फंसा। नहीं, ऐसा नहीं था। 5,000 जो 3 किस्त था, मैं ऐसा थी। जो बेबी पांडे जी बोल रहे हैं उसका जवाब मैं देना चाहता हूं, सही कह रही हैं कि सहारा को कहा गया था पैसे वापस करो, तो सहारा ने पहली किस्त दिया था 5,120 करोड़। उसके बाद जब सुब्रत राय सहारा जेल चले गए थे, उसके बाद 10,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए। और बेबी ने कहा था कि सेबी ने उस समय कहा था कि भाई जो आपने सुब्रत राय सहारा को सर कहते मतलब ये आप रिहाई कर रहे हैं, उसके बाद बिल के वापस कर रहे हैं, उन्होंने कहा जो आदमी 10-15 हजार करोड़ रुपए दे सकता है 9,000 करोड़ रुपए और वापस कर सकता है। लेकिन सुब्रत राय सहारा जब बाहर गए तो 9,000 करोड़ रुपए तो अभी तक दिए नहीं, 24,000 करोड़ जो बात चल रही है देने के लिए। खर्चा अपनी पेरोल पे कर दिया, लेकिन पार्टी को संतुष्ट नहीं किया उन्होंने, निवेश कर। सही बात है, जो बचा पैसा है सर, जो बचा पैसा है उसका कीमत आज मार्केट में वैल्यू 27,000 करोड़ है। तो टोटल जो पोर्टल बनाया गया वो 5,000 करोड़ क्यों बनाया गया, 27,000 करोड़ को बनाना चाहिए था। सीधे सा सवाल है, आज हल्ला मचा हुआ है। कभी कभी जो है जज साहब को मैं कहना चाहता हूं या सरकार को, कब बियॉन्ड द लिमिट सोचना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। इस तरह करेंगे तो लोग मर जाएंगे, एजेंट मर जाएगा, निवेशक मर जाएगा, सब लोग मर जाएंगे। आपस में हल्ला मचाने से नहीं होगा, सुब्रत राय सहारा को फांसी दे दो, सुब्रत राय सहारा को मैं बोल रहा था, ये सब कहने से नहीं होगा। बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा तभी अच्छा होगा। मैं कोई सुब्रत राय सार हम मैं निवेशक हूं ना एजेंट हूं ना कार्यकर्ता, हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकले और लोगों को पैसा मिले। देखिए अब बेचारे नवल किशोर मिश्रा जी बता रहे थे कि वो है, मैं तो सोच रहा था एजेंट है उनका, बताइए कुछ शॉप में पैसा, वो बेचारे कहां से पैसा पाएंगे। जो रियल और हाउसिंग के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आज भी बॉन्ड रियल हाउसिंग है, वो भी बेचारे नहीं पैसा पा पाए। नहीं नहीं नहीं, ये राय हम लोग भी विचार कर रहे हैं, इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके, बाहर नहीं निकाला जाएगा, सुब्रत राय खींचा नहीं जाएगा, सरकार खींचेगी नहीं, ऐसा का पैसा 1 रुपया नहीं मिलने वाला। 10,000 का पोर्टल है ना, किसी भी खाते में आ जाए तो कहना, क्योंकि आशुतोष भैया मैं ये कहना, जैसे माननीय अमित शाह जी द्वारा पोर्टल बनाया गया तो निर्मला सीतारमण जी द्वारा भी क्यूसाप और रियल एस्टेट हाउसिंग के जमाकर्ताओं के लिए पोर्टल बनवाना चाहिए था, उनको भी प्रयास करना चाहिए था। उसी सुप्रीम कोर्ट से आदेश से ही जब पैसा उसी खाते मिलना है तो हम लोगों को भी मिल जाता, हम लोगों के नाम से पैसा जमा कराया गया था सहारा से भी संयुक्त खाते में, तो रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा जमा कराया गया था और वो काम लेकर के उस सोसाइटियों में भुगतान हो रहा है। अभी तो फिलहाल सोसाइटियों का पैसा मिलेगा, अभी फिलहाल सोसाइटियों वालों का पैसा मिलेगा। नवल किशोर मिश्रा जी आप कैसे चुक गए, आपका पी शॉप में था, आपने कन्वर्जन क्यों नहीं करा पाए, बस गए कैसे गए। हमने कन्वर्जन भैया कराया नहीं, हमारी बेटी शादी थी, हम पैसा मांग रहे थे कि हमको बेटी की शादी करनी है। बातचीत को यहाँ रोकते हैं, एक मिनट बेबी पांडे जी रुकिए, आज की बातचीत यहाँ रोकते हैं। और वो बात ठीक कह रहे हैं कि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, एजेंट हैं, सेबी है, सहारा ग्रुप है, अदालत है, सरकार है, सबको एक बीच में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और त्वरित कार्रवाई करके जो निवेशक हैं उनको रिलीफ देना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को कार्य करना चाहिए। हमारी कोशिश है कि सुब्रत राय सहारा तक हम ये बात देखना पड़ेगा। और ये कहां तक सच्चाई है कि आपने मैसिडोनिया में अपने आप को बसा लिया है, क्या किया है, क्या आप देश छोड़ना चाहते हैं, ये भी चर्चा सरेआम हो रही है।
इन सब चर्चा को अगर आप विराम करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो आपको पब्लिक डोमेन में आ करके अपनी बात रखनी पड़ेगी और सरकार के साथ मिल करके अदालत के पास जा करके कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हमें माफी दीजिए और प्लीड गिल्टी एक शब्द है वो करिए और उनसे माफी मांग करके कहिए कि हमें मौका दीजिए, हम निवेशकों का पैसा लौटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे आप निवेशकों का विश्वास जीतेंगे कुछ पैसा लौटा करके तो भरोसा होगा और फिर धीरे धीरे आप काम करते जाएंगे। ये सारी बातें हो सकती है लेकिन ये सारी बातें तब होगी जब आपकी नीयत ठीक होगी, सरकार की नीयत ठीक होगी। बस अदालत की नीयत पर तो हमें संदेह नहीं है, अदालत अपना नीयत ठीक रखेगी हमको पूरा यकीन है, लेकिन सरकार, राजनीतिक पार्टियां और सुब्रत रॉय सहारा और सेबी इसकी नीयत कितनी ठीक है ये उनको साबित करना पड़ेगा पब्लिक डोमेन में आकर के। हम उम्मीद करते हैं कि वो साबित कर देंगे और नहीं करेंगे मोदी जी, रोगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम कोर्ट बियॉन्ड कोर्ट जनता की महा अदालत भी लगा रहे हैं और जितने इन्वेस्टर हैं, फील्ड वर्कर हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे, हम भी फैसला देंगे, हम भी सरकार और इन सब पर दबाव बना करके अंतिम निर्णय मतदान में होगा होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो मतदान पर इसका असर पड़ेगा, यह आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं भी हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि यह काम कर दीजिए और लोगों की दुआ लीजिए। आज अपने निवेशक, अपने फील्ड वर्कर और सहारा के कर्मचारियों से अनुमति चाहता हूं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि क्यूवाइब नेटवर्क और आशुतोष आपके साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि आपको न्याय मिल ना जाए, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरे दिन हम आपसे मुलाकात करेंगे और एक दिन पहले ही इसकी सूचना हम दे देंगे। आज अनुमति दीजिए, नमस्कार।